Student, today we see the folded dipole antenna and we see this is the diagram for folded dipole antenna. Okay, in this the two elements are there. Okay, and this the length will be lambda by 2. Okay, and the current will be passed from this end. Okay, see one by one description point. The first description point is that the dipole antenna used in Yagi antenna is folded dipole. Okay, ये जो antenna है हम लोग कहाँ पर use करते हैं, Yagi Yagi वोड़ा antenna means जो भी हम लोग पुराने इसमें TV के लिए हम लोग use करते थे, okay, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Yagi वोड़ा antenna. Okay, then see the point, the folded dipole is a signal antenna which is made up of two elements. Okay, ये जो antenna है folded dipole antenna वो किससे बना है, वो जो है दो elements जो है signal antenna के उससे बना है. Next है देखो, the first element is a source and second element is a coupled inductively at its ends. Means first जो element है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, source बोलेंगे, और जो second element है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is the coupled inductively at its ends. Okay, next point we see, that is the radiation pattern of folded dipole is the same as that of straight dipole. Okay, जो radiation pattern है folded dipole antenna का वो किससे same है, जो straight dipole antenna रहता है उससे वो same रहेगा, radiation pattern उन दोनों का same रहेगा. Next point we see, that is input impedance of a folded dipole is 4 times higher than the straight dipole. Okay, इसका जो input impedance है वो क्या रहेगा, 4 times higher रहेगा straight dipole से. Okay, अभी straight dipole means जो हम लोगों ने previous lecture में देखा था, that is the our हाफ वेव डायपोल भी बोल सकते हो, उसका कॉम्बिनेशन ही है वो. ओके, सो सी नेक्स्ट वन, बिकॉज इंक्रीज इनपुट इम्पिडेंस विल डिक्रीज द करंट ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स. जो भी इसका इनपुट इम्पिडेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसके वजह से जो करंट हम लोग क्या करते हैं उसमें से एंटर करेंगे सोर्स में से, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, देन सी नेक्स्ट, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ लैम्बडा बाय 2 फोल्डेड डायपोल. ओके, जो भी इनपुट इम्पिडेंस है वो कितना रहेगा, लेंथ बोल सकते हैं हम लोग, इट इज़ द लैम्बडा बाय 2 फोल्डेड डायपोल की. नेक्स्ट, द बैंडविड्थ ऑफ फोल्डेड डायपोल इज हायर दैन दैट ऑफ द स्ट्रेट डायपोल. इसकी जो बैंडविड्थ है फोल्डेड डायपोल की स्ट्रेट डायपोल से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. नेक्स्ट, रेडिएशन पैटर्न ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना इज मैक्सिमम एट द 90 डिग्री और द राइट एंगल. इसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो कब ज़्यादा रहेगा, एट मैक्सिमम एट द 90 डिग्री, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं राइट एंगल भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वी सी, द रेडिएशन पैटर्न ऑफ फोल्डेड डाइपोल इज ज़ीरो एट द एक्सिस ऑफ एंटीना. मीन्स अगर एक्सिस ऑफ एंटीना के उस पर हम लोग रेडिएशन पैटर्न लेंगे फोल्डेड डायपोल का, तो वो कब क्या रहेगा, दैट इज़ ज़ीरो रहेगा. ओके, तो इसमें से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करना है कि मैक्सिमम कब रहेगा रेडिएशन पैटर्न, जब 90 डिग्री रहेगा, और मिनिमम मीन्स ज़ीरो कब रहेगा, व्हेन द रेडिएशन पैटर्न इज ऑन द एक्सिस ऑफ द एंटीना. ओके, देन सी द रेडिएशन पैटर्न इज बाई डायरेक्शनल. इसका भी रेडिएशन पैटर्न कैसे होगा, दैट इज़ द बाई डायरेक्शनल पैटर्न रहेगा रेडिएशन पैटर्न. ओके, देन
We see the advantages of this folded antenna, or firstly we see the radiation pattern. The radiation pattern of folded antenna, again this one is the axis of antenna, and again two lobes, one is on right side and one is on left side. Okay, this is the radiation pattern of folded dipole antenna, and this is the feed point. Feed point means it when the current will be entered. Okay, and this one is the lambda by 2, that is the input impedance of folded dipole. Okay, then we see the next, that is the advantages of folded dipole antenna. The first, it is the higher input resistance. Second, higher bandwidth. Third, easy of construction. कॉस्ट भी जो है, इफिशेंसी, कॉस्ट इफिशेंसी रहेगी. देन इम्पिटेंस मैचिंग रहेगा. ओके, एडवांटेजेस. और जो लास्ट है वो है द फोल्डेड डायपोल एंटीना कैन बी यूज एज अ ट्रांसमिटिंग एज वेल एज रिसीविंग. मीन्स ये जो एंटीना है, फोल्डेड डायपोल एंटीना, हम लोग ट्रांसमिट एज अ ट्रांसमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ रिसीवर भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द ऑल ओवर डिस्क्रिप्शन अबाउट द folded dipole antenna. Okay, so today's topic will be end. Thank you.